गौतम बुद्ध से जाने अपने मन को कैसे समझें। जी हाँ दोस्तों, आज की कहानी और सीख हमें क्या सिखाती है, चलिए जानते हैं। लोग अक्सर परेशान रहते हैं और उनको समझ में नहीं आता कि इंसान को मन को कैसे समझना चाहिए। आखिर मन हमसे कब, क्या और क्यों कहता है? हमें लालच क्यों आता है? हमारा मन हमें अच्छी चीजें करने के लिए ही क्यों नहीं प्रेरित करता? चलिए जानते हैं गौतम बुद्ध की जुबानी। दोस्तों, एक बार एक व्यक्ति बुद्ध के पास आता है और उनसे पूछता है कि बुद्ध, अपने मन को कैसे काबू में करें और उसे समझने के लिए पहला चरण क्या है और हम कहां से इसकी शुरुआत कर सकते हैं कि हमारा मन हमारे वश में आ जाए। बुद्ध मुस्कुराते हैं और उसका उत्तर देते हैं कि अपने मन को समझने का पहला चरण है इसके द्वारा दिए गए लालचों की व्यर्थता को देख लेना। जी हाँ, जिस इंसान को अपने मन के द्वारा दिए गए लालचों की व्यर्थता को देख लिया, उसने इससे मुक्त होना शुरू कर दिया। और इसके बाद वह व्यक्ति बुद्ध से पूछता है कि हमारा मन जो हमें लालच देता है, उसके व्यर्थता को कैसे देखा जा सकता है? बुद्ध कहते हैं, अपने अनुभव से। जी हाँ दोस्तों, मनुष्य जिस भी गलत कार्य को अति में करता है, चाहे वो कुछ भी हो, उससे उसे दुख मिलता है और यही दुख उसका अनुभव है और यही अनुभव उसके रूपांतरण का कारण बन सकता है। जिसने देख लिया है और वास्तव में देख लिया है कि नशा करना केवल दुख है, उसे नशे से मुक्त होना शुरू कर दिया है। जिसने देख लिया है कि ईर्ष्या केवल खुद को जलाती है और वास्तव में देख लिया है, उसने ईर्ष्या से मुक्त होना शुरू कर दिया है। तुम्हारा ये देख लेना कि मन लालच तो हमेशा तुम्हें तृप्ति का देता है, लेकिन लगता यह तुम्हें सदैव अतृप्त है। जी हाँ, और यही अपने मन को समझने का पहला चरण है। हम कुछ भी करते हैं, जो भी कार्य हम करते रहते हैं और उसका अंत नहीं होता, वो कार्य वो चीज हमें दुखी देती है। कहानी को आगे बढ़ाने से पहले आपको एक प्रश्न को समझना बहुत ही आवश्यक है। वो प्रश्न है कि आप अपने मन को वश में करना क्यों चाहते हैं? क्योंकि आपने ये अनुभव कर रखा है कि आपका मन आपको दुखी देता है, पर क्योंकि आपको अपने मन के लालच बहुत बड़े सुहावने लगते हैं, इसलिए आप इन लालचों के पीछे छुपे हुए दुखों को नहीं देख पाते हैं। सिर्फ अपने दुखों को देख लेने से आपका मन आपके वश में नहीं आ जाएगा। उसके लिए आपको दूसरा चरण क्या है ये समझना होगा। वह व्यक्ति बुद्ध से पूछता है, बुद्ध यानी यदि कोई व्यक्ति यह जानता है कि उसके मन में लालचों के कारण उसके जीवन में बहुत दुख है, तो क्या इसका अर्थ यह है कि वो व्यक्ति पहले चरण पर है? और यदि वह व्यक्ति पहले चरण पर है तो दूसरे चरण पर कैसे जाएगा? बुद्ध कहते हैं, उस व्यक्ति को खोज पर निकलना होगा, यानी कि उसको हंटिंग पर निकलना होगा, किसी ऐसे व्यक्ति की खोज पर जो अपने मन से मुक्त हो चुका है और जिसने अपने मन को जान लिया है, क्योंकि तुम्हारा मार्गदर्शन वही कर सकता है जो उस जगह पर पहुंचा हुआ है और जहां तुम जाना चाहते हो। दोस्तों, यहां पर एक बात समझनी बहुत ही आवश्यक है कि खोज पर निकलने का अर्थ यह नहीं है कि आप सन्यासी बन जाएं, बल्कि खोज पर निकलने का अर्थ यह है कि कोई भी ऐसा व्यक्ति खोजना जो आपका मार्गदर्शन कर सके। वो व्यक्ति आपका पिता हो सकता है, आपकी माता हो सकती हैं, आपका भाई या मित्र या फिर शिक्षक। अब यहाँ पर प्रश्न यह उठता है कि ऐसे व्यक्ति पर कहाँ मिलेंगे और ऐसा व्यक्ति हम कहाँ पर खोजें, क्योंकि आज पड़ोस में तो सभी लोग अशांत भरे पड़े हुए हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर है कि आप ऐसे व्यक्ति को आसपास या आस पड़ोस में मत खोजिए, बल्कि इंटरनेट पर खोज सकते हैं, क्योंकि इंटरनेट आपको पूरी दुनिया से जोड़ता है। दोस्तों, मैं और आप इस इंटरनेट के ही बदौलत जुड़े हुए हैं। अगर इंटरनेट नहीं होता, मान लीजिए, तो क्या आप मेरे इस वीडियो को देख रहे होते या सुन रहे होते? नहीं ना, आप मुझे जान भी नहीं रहे होते।
दोस्तों, इस दुनिया में बहुत सारे लोग थे और अभी भी हैं और हमेशा रहेंगे जो आपका मार्गदर्शन कर सकें। कहानी में वापस लौटते हैं और अच्छे से जानते हैं कि अपने मन को समझने का दूसरा चरण क्या है। वह व्यक्ति बुद्ध से पूछता है कि उस व्यक्ति की पहचान क्या है जिसने अपने मन को समझ लिया है और जिसने खुद को जान लिया है कि वो क्या करना चाहता है। क्योंकि हर व्यक्ति का ये दावा होता है और वो दावा करता भी है कि वह ज्ञानी और बुद्धिमान है, लेकिन वास्तव में ज्ञानी कौन है, वह कैसे पता लगेगा। बुद्ध इस पर कहते हैं यह तीसरा चरण है, और वो चरण है, चलिए जानते हैं वो तीसरा चरण कौन सा है। सुनना ही अपने मन को समझने का तीसरा चरण है, जो मेरे ऑडियंस या मेरे सब्सक्राइबर्स जो मुझे सुन रहे हैं। इसके बाद वे व्यक्ति बुद्ध से पूछता है कि क्या देखकर यह पता नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि आपको देखकर ही पता लगता है कि आप एक महात्मा हैं। बुद्ध कहते हैं कि देखने में तो कोई भी व्यक्ति बहुत शांत लग सकता है, लेकिन भीतर से वे क्या है यह उसके शब्द ही बता सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे कि शब्दों पर भी विश्वास एकदम से नहीं कर लेना चाहिए। किसी भी बात पर विश्वास इसलिए कर लेना है कि उसे मैंने कहा हुआ है या किसी महात्मा ने बोला हुआ है। किसी भी बात पर विश्वास आपको तब कर लेना है जब वह तुम्हारा अनुभव बन जाए। गौतम बुद्ध के द्वारा कही गई इन बातों को मैं आपको थोड़ा और आसान भाषा में समझाने की कोशिश करती हूँ। दोस्तों, कोई कहता है कि ध्यान करना अच्छा है और कोई कहता है ध्यान करना बुरा है। ये दोनों ही अतिया है। अगर आप अभी ध्यान को अच्छा मानते हैं तो आप बहुत ही जल्दी उसे बुरा मान जाएंगे, और यही हमारे मन की चाल है। तो अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा, कैसे? तो इसका उत्तर है कि ध्यान की शुरुआत में आपको आनंद नहीं मिलेगा, बल्कि बोरियत महसूस होगी। और आपका विश्वास क्या कहता है कि ध्यान अच्छा है, लेकिन आपको अनुभव क्या कहता है या अनुभव क्या हो रहा है, ध्यान बोरियत भरा है। तो धीरे धीरे आपका विश्वास बदलने लगेगा। पहले आप ध्यान को अच्छा मानते थे, लेकिन अब आप ध्यान को बुरा मानने लग जाएंगे। आप एक अति से दूसरे अति पर पहुंच जाएंगे, और यही हमारे मन की चाल है। हमारा मन हमें अतियों से ही भटकाता रहता है, और अगर आप ध्यान को बुरा मानते हैं तो आप कभी भी ध्यान नहीं कर पाएंगे। अब कहानी में वापस लौटते हैं और अच्छे से समझते हैं कि अपने मन को समझने का तीसरा चरण क्या है। बुद्ध कहते हैं कि किसी भी बात पर विश्वास तब तक नहीं करना है जब तक वह तुम्हारे विवेक की कसौटी पर खरा नहीं उतर जाए, और इसके लिए कर्म करना आवश्यक है, और कर्म ही अपने मन को समझने का चौथा चरण है। अगर आप धन कमाना चाहते हैं, मान लीजिए आप धन कमाना चाहते हैं, तो आपको सही दिशा में कर्म करना आवश्यक है। ठीक उसी प्रकार अगर आप खुद को जानना चाहते हैं तो आपको सही दिशा में कर्म करना आवश्यक होता है। वह आदमी बुद्ध से पूछता है कि सही दिशा में कर्म करते वक्त आदमी क्या गलती कर सकता है। बुद्ध कहते हैं कि वो सिर्फ दो गलतियां कर सकता है। पहली गलती है शुरुआत ना करना, और दूसरी गलती है पूरा रास्ता तय ना करना। और इन दोनों गलतियों के पीछे हमारे मन की ही चाल होती है। कोई सोचता है कि मैं शुरुआत कल से करूंगा, और कोई सोचता है शायद मैं सफल ना हो पाऊं। इन दोनों ही गलतियों को व्यक्ति जागरूकता की कमी के कारण करता है।